का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ टेबल ऑफ ऑथोरिटी अंडर रेफरेंस टैब। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। आज हमें इसमें इसका प्रैक्टिकल करके देखना है। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये रेफरेंस टैब पे सबसे लास्ट का ये हमारा ग्रुप होता है। इसके बाद हमारा रेफरेंस टैब ख़त्म हो जाएगा और हम मेलिंग्स टैब हमारा स्टार्ट होगा। तो देखते हैं आज इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने एक बुक ली है, मैंने एज्यूम किया है कि एक बुक है और इसके जो राइटर हैं वो मिस्टर सौरभ सिंह हैं। और इन राइटर ये जो बुक है इसमें और भी राइटर हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की है तो ये बुक लिखने में। तो ये मैंने नाम कुछ लिए हैं, सैंपल लिए हैं कुछ, और ये बुक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने देखा होगा हमारी बुक जो होती है उसमें ऐसा होता है कि जिन राइटर के नाम होते हैं या जिन जिन चीज़ों का उसमें बुक में यूज़ होता है तो उनकी अलग से एक टेबल बनी होती है कि इन लोगों ने इनकी हेल्प किया या ये चीज़ें इस बुक में यूज़ हुई है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? वो हम बना सकते हैं टेबल ऑथोरिटी के अंदर। तो ये मैंने आपको एक सैम्पल आपको बताया है। देखिए अब हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ से क्रिएट। तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। इसके बाद हम यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये हमने कॉपी कर लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट जो हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए आ चुका है। अब मैं कुछ स्पेस बना लेता हूँ। ये मैंने स्पेस कुछ बना लिया है। अब यहाँ से मैं यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ या बुक का नाम ही वहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने बुक का नाम यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ये नाम मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं अब हम उनके लिए यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप भी ऐसे कोई नाम ले सकते हैं। मिस्टर ये मैंने कुछ चार नाम लिए हैं और ये हमारे राइटर हैं। तो हम क्या करेंगे अब इनके नाम को वन बाय वन हम यूज़ करेंगे। तो रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ पर ये है मार्क साइटेशंस और ये कहाँ मिलेगा? टेबल ऑफ ऑथोरिटी में मिलेगा। तो इस पर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले हमें एक नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर यहाँ जाएंगे मार्क साइटेशन में और ये नाम यहाँ पर आपको हाईलाइट होकर के दिखेगा। अब ये हैं हमारे राइटर हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी हमने एक कैटेगरी बनाई थी। तो मैं ये पहले से बनी हुई कैटेगरी यानी मैंने ये बनाई थी इस प्रैक्टिकल से पहले, तो मैं यहाँ पर दूसरी एक कैटेगरी बना लेता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे कैटेगरी में और यहाँ से देखिए कुछ कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरी लिखूंगा
मैं यहाँ लिखता हूँ ऑथर, तो यहाँ पे ऑथर ऑथर मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको अब इसको हम यहाँ पर ओके सॉरी रिप्लेस कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारे ऑथर, ऑथर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं, तो ये देखिए प्रणव पांडे जो है यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दिया। इसके बाद दूसरा नाम हमारा आता है ये अंजना के नाम से, और यहाँ पर हम जाएंगे मार्क साइटेशन में, और फिर वही करना है आपको ऑथर, ऊपर ये ऑथर ले लेंगे, और यहाँ पर हम अंजना हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मार्क कर देंगे, फिर क्लोज़ कर देंगे। फिर यहाँ से ये एक नाम है काव्या, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ काव्या है, यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर क्लोज़ कर दिया, और फिर ये भी मार्क किया, और ये हमने ऐसे और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ये मार्क हो चुका है। इसके बाद ये देखिए कुछ ये साइन बन के आए हैं, तो इन साइन को हमें रिमूव करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, होम पर जाएंगे, और यहाँ पर ये देखिए मार्क का ये पैराग्राफ मार्क का ऑप्शन होता है, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। अब जो हमने नाम सेलेक्ट किए हैं, तो वो नाम कैसे आएंगे, वो हम जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटी में। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे क्या थे, वो ऑथर थे, तो हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ऑथर की, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ से टॉप लीडर, यहाँ से एक कोई कैटेगरी ले सकते हैं, डॉट वाली ले सकते हैं जैसे टैब लीडर, और यहाँ से फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मल लेना है या आपको क्लासिक लेना है। मैं क्लासिक ले लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, और ये देखिए हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारे क्या है, हमारे ऑथर हैं, और इन ऑथर का क्या है, इस बुक में रोल है, इन्होंने बहुत हेल्प की है, इनके कंटेंट इन्होंने के कंटेंट इस बुक में मेंशन है, तो इनके नाम लेना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने इनको मेंशन किया है। इसको हेडिंग को आप बड़ा भी कर सकते हो, या इस हेडिंग के आगे हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि वी आर थैंक फॉर दिस राइटर या दिस ऑथर। अब हम इसको यहाँ से रेफरेंस टैब में जाकर हम इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं। जैसे हम एक और नाम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे मिस्टर मिस्टर संजीव सेलेक्ट किया अब हमने इसको, और मार्क साइटेशन में जाएंगे और इसके बाद यहाँ से इसको मार्क कर देंगे, और ये देखिए ये क्या हुआ, इंसर्ट हो गया है, लेकिन ये जो साइन है पैराग्राफ का ये वापस आ गया है, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। और ये देखिए हमारे टेबल में ये क्या हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन है, ये ऐसे हम अपडेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये नाम आ गया है। अच्छा, इसमें और जो हमने पहले पढ़े हैं, तो उसमें एक ये मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें लिंकिंग नहीं होती है, जैसे और अगर हमने और रेफरेंस टाइप के अंदर जो ऐसे हमने साइटेशन या कैप्शन हमने पढ़े हैं या इंडेक्स पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम जैसे ही टेबल के ऊपर जाते हैं और कंट्रोल बटन के साथ जैसे मूव करते हैं, तो वहाँ पे हैंड का साइन आ जाता है और हम क्लिक करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिंपल एक
एक टेबल क्रिएट होती रहती है। तो ये आज हमें बनाना है, ठीक है। मैं इसमें एक और नाम अभी ऐड करके दिखाता हूँ। एक नाम और ऐड करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक और नाम लिया, जैसे मैंने कहा यहाँ पर मिस्टर मिस्टर गौरव। अब हमने इसको ऐड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे मार्क सेटिशन में, और क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए नहीं आ पाया, तो इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मार्क सेटिशन में जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, मार्क सेटिशन करके इसको क्लोज़ कर देंगे। अब ये देखिए जो पैराग्राफ साइन है ये आ गया है, तो इसको यहाँ से होम से जा करके ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बन के आ गई है टेबल। ऐसे कोई लिस्ट भी आप बना सकते हैं। तो ये आज आपको आपको करके देखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मेलिंग शुरू करेंगे।